हेलो एवरीवन, ऐसे ही अगर आप कोई सा वीडियो क्लिप बनाना चाहते हैं स्लो मौसम या फास्ट मौसम की तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप वीटा एप्लीकेशन की मदद से स्लो मौसम या फास्ट मौसम की वीडियो क्लिप बना सकते हैं और उस वीडियो को आप इंस्टाग्राम में या फिर किसी शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे वीडियो देखते होंगे कि किसी वीडियो में कोई डांस करता है तो अचानक वो फास्ट हो जाता है और अचानक फिर स्लो हो जाता है, या फिर कोई वॉकिंग कर रहा है तो अचानक वो स्लो चल रहा है फिर अचानक फास्ट चलता है और म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहती है। ये सब चीज़ कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वीटा एप्लीकेशन में जाने का है, फिर यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेने का है जिस वीडियो का आपको स्लो मौसम या फास्ट मौसम में करना है। ये आने के बाद आपको सबसे पहले इसका वॉइस को साइलेंट करना है, वॉइस साइलेंट होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में स्पीड का आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जहाँ तक जैसा कि आपको चाहिए कि आपको कहाँ तक चाहिए कि आपका वीडियो स्लो मोशन में हो जाए तो वहाँ तक आपको ये बढ़ा देना है 0.5x तक, और इसको वीडियो को यहाँ तक रखना है, फिर ओके कीजिए, फिर वापस इसको आप प्ले करके देखिए, देखिए स्लो हो गया है और ये नॉर्मल हो गया है, ठीक है। फिर वापस अगर आप चाहते हैं कि उसी भाग को आप ज़्यादा और स्लो करें तो उसके लिए आप वापस स्पीड में जाइए, इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ज़्यादा स्लो हो जाएगा, देखिए ये ज़्यादा स्लो हो गया है, फिर रुक जाइए। फिर अगर आपको मान लीजिए आपको यहाँ तक ही स्लो करना है तो आपको क्या करना रहेगा पहले मैं बता देता हूँ, आप पहले इसको एडिट कर लीजिएगा। पहले मैं स्पीड को नॉर्मल कर लेता हूँ, स्पीड नॉर्मल हो गया, अभी आपको जैसे कि ये वाला यहाँ तक ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तक ही चाहिए तो आप पहले स्पीड में यहाँ पे स्प्लिट कीजिए, ये स्प्लिट का बटन दिख रहा है आपको, स्प्लिट ये जो आपको स्प्लिट का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, स्प्लिट हो गया। फिर ये जो अलग वाले भाग है उसमें वापस सेलेक्ट करके उसको स्प्लिट कीजिए, फिर वापस उसको और ज़्यादा स्लो करना तो ये बढ़ा सकते हैं, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, फिर ओके कीजिए, ये फिर ज़्यादा स्लो हो गया, आप प्ले करके देख सकते हैं, देखिए ये एकदम स्लो हो चुका है। वापस अगर आप चाहते हैं कि आगे का भाग वो फास्ट हो तो यहाँ तक फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको फास्ट करना पड़ेगा, तो वापस ये स्प्लिट कीजिए, वापस इसको सेलेक्ट करके स्पीड वाले आइकन में क्लिक कीजिए, फिर इसको आप फास्ट करना चाहे तो ऐसे फास्ट कर सकते हैं, ओके कीजिए। अभी आप देखिए ये पहले स्लो मौसम में हो रहा है, उसके बाद आपका ये फास्ट मौसम में होगा, देखिए ठीक है, फिर ये नॉर्मल चालू हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी वीडियो का स्लो और फास्ट मौसम इसी तरह किया जाता है, आपको पहले उसको स्प्लिट करना होगा, अलग भाग में बांटना पड़ेगा, फिर उसी क्लिप को सेलेक्ट करके आपको स्पीड में जाना है, फिर वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितना स्पीड चाहिए, उससे आपका वीडियो क्लिप स्लो और फास्ट मौसम में हो जाएगा कन्वर्ट। और ये जो आपका वॉइस को साइलेंट किया गया है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है वापस, आपका ऐड म्यूजिक दिख रहा है, ऐड म्यूजिक में जाने का है, फिर म्यूजिक में जाना है, फिर आपका डिवाइस के बाजू में वीडियो है वहाँ जाना है, फिर आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वीडियो है, वही वीडियो को वापस सेलेक्ट करना है और प्लस आइकन में क्लिक कर देना है ताकि आपका वीडियो में आपने जो भी एडिटिंग किया उसमें कुछ फर्क ना पड़े। मैं प्लस आइकन में क्लिक कर लेता हूँ, देखिए ठीक है, फास्ट हुआ फिर नॉर्मल हो जाता है। अभी आपको इसके हिसाब से अगर वीडियो बन गया है तो आप आगे जाके यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, फिर सारे वीडियो बनने के बाद आपको यहाँ पे आप अपने हिसाब से HD या फुल HD या HD जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप ये एक्सपोर्ट वाले बटन में क्लिक कर सकते हैं और आपका वीडियो बनके तैयार हो जाएगा।
दोस्तों आई होप आप सीख गए होंगे कि स्लो मौसम और फास्ट मौसम कैसे किया जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ गलती हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे।